एक सत्वरतम और मेरे साथ है मेरे सहयोगी डिम्पी कालराव। कल के तेज गिरावट के बाद बाजार का कॉन्फिडेंस आज कुछ हद तक रीस्टोर होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि निफ्टी आ गया है फिर से 24,800 के ऊपर। हालांकि आज शुरुआत कमजोर हुई थी, लेकिन कमजोर शुरुआत से उभर के इस वक्त निफ्टी है करीब 125 अंक ऊपर। और अगर हम निफ्टी बैंक की बात करें तो लोअर लेवल से करीब करीब 1,000 अंकों की रिकवरी निफ्टी बैंक में आई है और बाकायदा 52,000 के अहम लेवल के ऊपर जाकर कारोबार कर रहा है। आज हम देख रहे हैं कि एक्सिस बैंक नतीजों के दम पर दौड़ रहा है, करीब 6% के आसपास की तेजी है। एसेट क्वालिटी में सुधार हुआ एक्सिस बैंक के शेयर में, और हमने देखा था कि नतीजों से पहले थोड़ा सा प्रेशर आया था, तो आज इसमें बाइंग लौट रही है। विप्रो में बोनस शेयर का हम देख रहे हैं कि असर आ रहा है, 4.5% ये शेयर चल रहा है। आयशर में हम देख रहे हैं कि कल की तेजी को आज कंटिन्यू कर रहा है आयशर, 3.5% के आसपास की तेजी है। लेकिन आज का स्टैंड आउट परफॉर्मेंस हम कहेंगे निफ्टी बैंक का, क्योंकि आज सभी बड़े बैंक, सिर्फ दो बैंक आज कमजोर हैं, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, अदरवाइज 10 शेयर मजबूत हैं। आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक ये पॉइंट के लिहाज से सबसे ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं बाजार को भी, निफ्टी बैंक को भी। और एसबीआई के शेयर में भी हम देख रहे हैं कि अब जो तेजी है 1% से ज्यादा की हो गई है, 800 रुपए के ऊपर लगातार एसबीआई का शेयर भी स्ट्रेंथ दिखा रहा है। सवाल यह है कि क्या बाजार का खतरा टल गया है या फिर अभी भी आपको सतर्क रहना है? क्या 24,800 से 900 की रेंज में बाजार जब तक रहे तब तक ज्यादा कुछ आपको भारी भरकम ट्रेड नहीं लेने, पोजीशन लाइट रखनी है, ये समझने की कोशिश करेंगे। और इसके अलावा अगले एक घंटे में आपके लिए मौके कहां पर बनेंगे ये भी जानने की कोशिश करेंगे। फटाफट ये देख लेते हैं कि अगले एक घंटे में हम करने क्या वाले हैं। 2:35 पर हम क्लोजिंग के ट्रेड्स लेकर आएंगे, 2:40 पर ऑप्शन का एक सौदा होगा, 3 बजे मार्केट एट 3 आपके लिए हम लेकर आएंगे जहां पर बाजार खुलने के बाद खबरों का एक्शन पूरा होता है उसमें, 3:15 पर बीटीएसटी एफएसटीबीटी ट्रेड्स होंगे और 3:20 पर होगा इवेंट्स टू वॉच। लेकिन फटाफट नजर डाल लेते हैं बाजार की बड़ी बातों पर, लेकिन सीधे चलते हैं डिम्पी से, जरा समझते हैं कि बाजार की आज की जो स्ट्रेंथ है ये क्या कहानी कर रही है। डिम्पी, कमजोर शुरुआत और जो जो लेवल हम पाना चाह रहे थे आज हमने अचीव कर लिया, 24,800 निफ्टी ने पार कर लिया, 850 इनफैक्ट, और निफ्टी बैंक ने 52,000 को अचीव कर लिया। क्या लगता है कि शॉर्ट टर्म में जो थोड़े से तनाव थे उससे रिलीफ मिल गई है? चलिए, आज हमने जब शुरुआत की थी तो मैंने कुछ क्वेश्चंस के साथ आपसे की थी, मैं आज क्लोजिंग में भी कुछ क्वेश्चंस आपसे वापस पूछता हूँ। आपको अच्छा लग रहा है 132 पॉइंट ऊपर निफ्टी का और 24,800 देखकर? डेफिनेटली डिम्पी, क्योंकि क्रूशियल सपोर्ट ब्रेक हुए थे, थोड़ी चिंता तो बड़ी थी, सभी की बड़ी होगी, तो आज आपको थोड़ी सहानुभूति, थोड़ा बहुत अच्छा लग रहा है कि हाँ मार्केट ये इस लेवल पे क्लोज करके जा रहा है, शुक्रवार का दिन है। देखिए, हरियाली होती है ना तो हमेशा ही अच्छी लगती है। एग्जैक्टली जो आपके मन में चल रहा है, बहुत सारे लोगों के मन में चल रहा है, बहुत सारे लोगों के मन में चल रहा है, इसलिए मैंने आपसे आज सुबह भी क्वेश्चंस के ही साथ मैंने शुरू किया था, आज भी उसी क्वेश्चंस के आंसर के साथ ही मैं क्लोजिंग कर रहा हूँ। सबसे ज़्यादा खुशी मेरे को भी हो रही है, क्योंकि आज हम सुबह, कई बार क्या होता है कि आदमी मार्केट से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो जाता है, तो उस कनेक्शन में हमने बहुत सारी बातें ऐसी बोली कि इसमें कहा कि देखिए DIs को अपना स्टांस क्लियर करना चाहिए। मेरे को बहुत सारे निजी मैसेजेस आए, बहुत सारे सोशल मीडिया पे मैसेज आए, तो उन्होंने लिखा कि नहीं लगता DIs ने आपकी बात सुन ली है। देखिए, मैं फिर से बोलता हूँ, DIs मेरी बात सुने ना सुने, FIs बात सुने ना सुने, लेकिन रिटेलर्स की बात सबको सुननी चाहिए। रिटेलर्स वो मार्केट का वो पार्टिसिपेंट है जो बहुत उम्मीद और आशा की किरण से इस मार्केट में आता है, उसके पास जो पैसा है वो हार्ड एंड मनी पैसा है, वो एक्सपेरिमेंट करने के लिए नहीं आता। इसलिए FIs, DIs, रेगुलेटर सबका ये फौरी तौर पर, इंक्लूडिंग हमारा भी, मेरा भी निजी तौर पर एक नैतिक फर्ज बन जाता है कि रिटेलर्स के लिए एक अच्छा मार्केट बना रहे, टाइम टू टाइम उनको पता लगे और सारी इंफॉर्मेशन उन तक भी पहुँचे। ऐसा ना हो कि जब तक वो बाहर निकलने के बारे में सोचे तब बाज़ार चल जाए और जब बाज़ार चल रहा हो तो वो ट्रैप हो जाए। तो इसलिए रिटेलर्स के हक का ध्यान हम सबको रखना पड़ेगा, क्योंकि जब तक रिटेल है तब तक ये मार्केट अच्छा भी रहेगा, आपके और मेरे लिए बेहतर भी रहेगा। अब आते हैं जरा लेवल्स पे बात में और कुछ NGOs पे। देखिए, मार्केट ने आज दो हिस्सों में डैमेज कंट्रोल किया, पहला लेवल्स का, दूसरा कन्विक्शन का। 800 पॉइंट बैंक निफ्टी ने दो दिन में तोड़े, कवर एक दिन में कर दिया। अच्छा पॉइंट था कि आज 51,000 से 52,000 की जर्नी आज एक ही दिन में आई। अगर किसी को ट्रस्ट नहीं हो रहा हो तो आज का इंट्राडे लो बैंक निफ्टी का चेक कर लो, डॉट 51,000 का है और अभी हम 52,000 पे ट्रेड कर रहे हैं, तो 1,000 पॉइंट का आज लो से रिकवरी है, तो ये बहुत स्ट्रांग पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, आज आप पहले 6 शेयर जो मैं सुबह सुबह आपको दिखाता हूँ, रिलायंस इंडस्ट्रीज, HDFC, TCS, इन्फोसिस, HUL, L&T, उसमें से बहुत सारे शेयर हरे निशान में आ चुके हैं, यानी कि जो लीडरशिप
की क्राइसिस थी जो सुबह आप फेस कर रहे थे, जो कल आप फेस कर रहे थे, वो अब आपको फेस नहीं हो रही है। कुछ कुछ शेयर्स ऊपर आए हैं और अच्छे लेवल पे आ चुके हैं, तो एक इन्होंने ढांढस बंधाया आपका। देखो, बड़े शेयर जब तक सिस्टम में नहीं आएंगे तब तक सिस्टम में पुख्ता तेज़ी नहीं आएगी, ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट, इंडिया विक्स 2 से 2.5% टूटा है, सुबह 3% ऊपर हो गया था, यानी कि बाज़ार में डर और भय का जो माहौल था वो थोड़ा कम हुआ है, और हम ये चाहते भी थे कि 13 और 13 से नीचे चला जाए। अब आप देखोगे इंडिया विक्स डेज लो टेस्ट कर रहा है, आपका मार्केट डेज हाई टेस्ट कर रहा है। चौथी इंपॉर्टेंट बात, क्या खतरा, जो आपने सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा, क्या खतरा पूरी तरह से टल गया है, क्या और गिरावट आ सकती है? तो मैं बोलूँगा कि पूरी तरह से तो नहीं टला है। ये कैसे नहीं टला है, क्योंकि जो रेजिस्टेंसेस थे वो अभी भी हैं। अभी तो सिर्फ आपने अपने घर को टूटने से सिर्फ रोका है। खतरा टलेगा तब जब 25,200 के ऊपर निफ्टी आएगा, 52,500 के ऊपर बैंक निफ्टी आएगा। इन दोनों के ऊपर आते ही शॉर्ट्स को समझ में आ जाएगा कि अब उनकी जगह नहीं है। शॉर्ट्स का एक दिन कल उनकी बारी थी, आज पुल बैक वालों की बारी है, बस इतना ही फर्क है। ये लेवल्स मार्केट के लिए नए नहीं है, ये लेवल्स तो मस्ट नीडेड लेवल थे, और सुबह भी हम आपसे ये बात बता रहे थे कि 24,800 ले आओ, मार्केट कम से कम अपना गिरना अपने आप को बंद कर देगा और एक कंफर्टेबल जोन में अच्छी क्लोजिंग करके जाएगा। तो आज की मार्केट का मैं और एक और रियल हीरो मैं मानता हूँ, मैं बैंक निफ्टी को। बैंक निफ्टी के पाँव आज सुबह से ऐसे दिख रहे थे कि वो हरे निशान की तरफ दौड़ लगाने चाहता है, और आज एग्जैक्टली हुआ। निफ्टी का परसेंटेज गेन 0.5% है, दिखाओ एक बार निफ्टी का भी परसेंटेज 0.5% है, जबकि बैंक निफ्टी का परसेंटेज गेन 1.5% से भी ज़्यादा है, यानी कि 3 गुना से ज़्यादा बैंक निफ्टी आज परसेंटेज में चला हुआ है। तो अच्छी बात यह है कि बैंक निफ्टी का आज पार्टिसिपेशन आया। दूसरी अच्छी बात ये होनी चाहिए कि निफ्टी भी धीरे धीरे फॉलो करे। एथिकली तो 900 पॉइंट के हिसाब से निफ्टी को 300 पॉइंट ऊपर होना चाहिए, लेकिन अभी वो नहीं है। आई होप सो कि वो भी हो जाएगा, 25,000 एक बार वापस आ जाएगा। लेकिन फिर भी इस कल की तेज़ एक्स्ट्राऑर्डिनरी मंदी में, आज के एक्स्ट्राऑर्डिनरी तेज़ रिकवरी में, दोनों चीज़ों में आपको थोड़ा संभल कर ट्रेड करना है। वॉल्यूम कम रखोगे तो चीज़ें अच्छे से हैंडल होंगी, वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा तो पैनिक बहुत जल्दी आएगा, फिर फोमो भी आएगा। इसलिए थोड़ा वॉल्यूम कम करके आराम से ट्रेड कीजिए, बाज़ार को अपने ऊपर हावी ना होने दीजिए, बल्कि मार्केट के कॉर्नर में बैठ कर चीज़ों को संतुलित तरीके से देखिए। नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, छूट जाएगा छूट जाएगा। गलत ट्रेड लेने से अच्छा शेयर छोड़ना है, वो फिर भी ठीक है, लेकिन गलत शेयर पकड़ना, गलत स्ट्रेटजी प्ले करना और अपनी बात को पक्के से पकड़े रहना, पकड़ बना लेना, ये गलत चीज़ों का सूचक है। अमोल अठावले, तेजस शाह, राजेश पालविया हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। मैं आज बहुत ज़्यादा डाटा क्रंचिंग पे नहीं जा रहा, वो इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि तीनों मेहमानों का फिर थोड़ा समय भी लगता है और हम तीनों मेहमानों से खुद ही समझ लेते हैं, तो फिर हमारे ज़्यादा डाटा क्रंचिंग की ज़रूरत भी नहीं बचेगी। अब राजेश सर नमस्ते, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अमोल सर थैंक यू वेरी मच, आपने समय निकाला। तेजस आपका भी बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। राजेश सर मैं आपसे शुरू कर रहा हूँ। कल मार्केट को देख के ऐसा लग रहा था कि मार्केट एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ ज़्यादा ही रिएक्ट कर रहा है चीज़ों पर। इतनी बड़ी कोई दिक्कत नहीं थी कल मार्केट के अंदर, लेकिन मार्केट का रिएक्शन काफ़ी सीवियर था और काफ़ी डैमेजिंग था। एक ही दिन के अंदर 24,800 तोड़ना, फिर 51,500 को तोड़ के डेज लो पे बंद करना। आज मार्केट एक्स्ट्राऑर्डिनरी अच्छा पुल बैक भी दे रहा है, 850 पॉइंट बैंक निफ्टी के एकदम से रिकवरी पे आए। ये मार्केट किस तरफ जा रहा है सर? चौपनेस तो है, लेकिन जा किस तरफ रहा है, डायरेक्शन क्या है इसकी सर? गुड आफ्टरनून डिब्बी जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो देखिए, मार्केट में एक करेक्शन ड्यू था और करेक्शन जिस तरीके से इस बार देखने को मिला मार्केट में, जरूर अहम लेवल 25,000 के तोड़े हमने और 50-day मूविंग एवरेज के नीचे भी निफ्टी फिसला। ओवरसोल्ड ट्रेजेक्ट्री ऑलरेडी नियर टर्म सेटअप के हिसाब से हो चुकी थी, डाइवर्जेंस थे इंडिकेटर्स पे, तो एक पुलबैक का ट्रेड जरूर यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है। हालांकि बहुत बड़ा अगर हम देखें डे ऑन डे कंपेयर करें तो 112 पॉइंट का ही गेन है कंपेयर टू लास्ट डे के लो से, तो बहुत बड़ा रिवर्सल तो नहीं आया। लेकिन हाँ, ये जरूर हुआ है कि जो स्टॉक्स, क्वालिटी स्टॉक्स, लार्ज कैप स्टॉक्स, जहाँ पे एक अच्छा सेक्टर में मोमेंटम बना हुआ, वहां पे एक रिकवरी वापस बनी है क्योंकि ओवरसोल्ड ऑलरेडी हो चुके थे स्टॉक्स, तो ये एक रिकवरी यहाँ पे बिकॉज ऑफ शॉर्ट कवरिंग आते हुए दिख रही है। लेकिन हमें लगता है कि अभी भी 24,900 और 25,000 ये जब तक लेवल क्लोजिंग बेसिस पे क्रॉस नहीं होंगे निफ्टी स्पॉट पे, अभी भी हम ये नहीं बोल सकते कि हम आउट ऑफ वुड है या अभी हम यहाँ से वापस अब तेजी के लिए
24,900 पार करना होगा तब जाके जो भरोसा है वो पूरी तरह से इंटैक्ट हो पाएगा। अभी थोड़ा सा कॉशियस स्टांस हमारे एक्सपर्ट्स का भी जरूर है बाजार को लेकर। अगर थोड़ा सा और बड़ा सोचें 25,200 जिसकी डिम्पी बातचीत कर रहे थे और हम काफ़ी लंबे समय से आपको टीनो सदस्य बता रहे हैं कि 24,800 25,200 ये रेंज थी, रेंज का ब्रेकडाउन हुआ था, उसको हमने आज रिस्टोर किया है, बस एक राहत है, खुश होने वाली शायद अभी चीज थोड़ी सी दूर अभी बाजार में जरूर है। लेकिन चलिए स्टॉक स्पेसिफिक बातचीत करते हैं और ये समझते हैं कि आपके लिए ट्रेड के मौके कौन से शेयरों में बन रहे हैं और लेकर आएंगे क्लोजिंग ट्रेड्स। तो हमारे तीनों एक्सपर्ट तैयार हैं, तेजस शाह हैं, राजेश पालविया हैं, अमोल आठवले हैं। तेजस जी नमस्कार, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे, बताइए आपके सौदे कौन से हैं, क्या खरीदेंगे आप इस वक्त? देखिए जो आज अगर देखेंगे तो बैंक निफ्टी ने रिकवरी लीड की है और बैंक निफ्टी का जो स्ट्रक्चर है काफी स्ट्रांग है, तो मैं बैंकिंग स्पेस से पीएसयू बैंकिंग स्पेस से सिलेक्ट करूंगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो लीडर है पीएसयू बैंकिंग स्पेस में, चार्ट स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग है, डबल बॉटम फॉर्मेशन हुआ था स्टॉक में 765 के करीबन और 810 के ऊपर ब्रेकआउट, फ्रेश ब्रेकआउट भी आया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, तो स्टेट बैंक का जो स्टॉक है हमें काफी अच्छा लग रहा है। ये स्टॉक में आप करंट भाव पे या तो डिप में खरीदारी कर सकते हैं। इसमें आपको स्टॉप लॉस लगाना है 800 के नीचे, पहला लक्ष्य रहेगा 840 का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 855 का। इसके अलावा जो दूसरा स्टॉक मुझे पसंद है ट्रेडिंग के हिसाब से या तो पोजिशनल के हिसाब से, वो है NTPC इंडिया लिमिटेड। ये स्टॉक ने अभी रिसेंटली एक स्विंग हाई बनाया था 448 का और उसके बाद स्टॉक एक करेक्शन मोड में चला गया था। स्टॉक ने अपनी जो 50 दिन की जो मूविंग एवरेज है उसका सपोर्ट लेके रिवर्सल दिया है और आज एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न भी फॉर्म किए डेली चार्ट पे। तो NTPC का जो शेयर है ट्रेडिंग और पोजिशनल के हिसाब से मुझे काफी अच्छा लग रहा है, तो ये स्टॉक आप करंट भाव पे या डिप में खरीदारी कर सकते हैं। इसमें आपको स्टॉप लॉस लगाना है 409 का, इसमें पहला लक्ष्य रहेगा 440 का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 455 का। ठीक है, NTPC में 440 के टारगेट, 455 के टारगेट और 409 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। आज हम देख रहे हैं कि पावर में एक्शन है, NTPC के अलावा अगर आप CESC देखेंगे, टोरेंट पावर देखेंगे, वहां पर भी आपको तेजी दिखेगी। तो पावर वाला खेमा भी आज थोड़ा थोड़ा सा ना पावरफुल मूव दे रहा है, सिलेक्टिव है हालांकि थोड़ा सा। और SBI में एक चीज अच्छी है कि अब आप नोटिस करेंगे कि SBI को लेकर बाय कॉल्स आने की शुरुआत हो गई है। स्वदेश पर ही हमने तमाम एक्सपर्ट से बातचीत की थी और आपको याद होगा कि 810 रुपए का लेवल बताया गया था SBI के लिए कि उसके बाद ये चलना शुरू हो जाएगा और उसके बाद सच में हम ये मूव देख भी रहे हैं। आज देखिए 820 रुपए का भाव हो गया और आज निफ्टी बैंक के बड़े कंट्रीब्यूटर्स में से SBI का शेयर भी है, 1% की मजबूती, 820 रुपए का भाव, 835 855 ये दो टारगेट हो गए। आपको SBI को ट्रेड करना है। अमोल आप बताइए आपका कन्विक्शन कहां पर है, आप क्या ट्रेड करेंगे और क्या आपके भी सौदे सारे के सारे तेजी के ही हैं? जी नमस्ते, जी हाँ तेजी के ही सौदे देख रहा था, मार्केट काफी ओवरसोल्ड है तो यहाँ पे शॉर्ट करना थोड़ा सा रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से शायद इतना प्रॉमिसिंग नहीं लग रहा है। भारत फोर्ज एक मैंने पिक किया था पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, 1473 के आसपास पिक किया था, 1535 तक के पोजिशनल टारगेट निकल के आ रहे और 1443 उसका स्टॉप लॉस रहेगा। आई थिंक एक ओवरसोल्ड है, 2-3 महीने का करेक्शन ऑलरेडी स्टॉक में हो चुका है, लेवल्स अच्छे है, 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज के पास एक हायर बॉटम फॉर्मेशन बनता हुआ दिख रहा है। मुझे लगता है अगर ये रिवर्सल में कन्वर्ट हो जाता है तो एक प्रॉमिसिंग अप ट्रेंड रैली ये स्टॉक में आने के चांसेस फिलहाल तो दिख रहे हैं। दूसरा मैं एक इंडिगो के साथ जाना चाहूंगा, 4660 के आसपास है, आज चला नहीं है, इतना बाउंस बैक हुआ नहीं जितना मार्केट में बाउंस बैक हो गया, बट पोजिशनली अच्छा लग रहा है, वीकली चार्ट्स पे भी एक लग रहा है कि एक रिट्रेसमेंट सपोर्ट्स पे है। 4840 उसके टारगेट रहेगा, 4850 सेकंड टारगेट रहेगा और स्टॉप लॉस है उसका 4570 का। इंटरग्लोब 4840 4850 के टारगेट के लिए आपको ट्रेड करना है, 4570 रुपए का स्टॉप लॉस आप लगा के चलिए इस ट्रेड में। और जो दूसरा शेयर है मोल की तरफ से वो है भारत फोर्ज का, टारगेट 1535 और स्टॉप लॉस इसमें होगा 1440 का। दो तेजी के सौदे और हो गए, दो चार। राजेश जी आपके पास दो सौदे हैं या फिर तीन है? सर नमस्कार, बताइए कहाँ पर आपका भरोसा है, क्या ट्रेड करें अभी? अभिषेक जी आज दो सौदे और दोनों तेजी के ही हैं और पहला जो बाय करने का स्टॉक है वो है रियल एस्टेट स्पेस से। हमें लगता है रियल एस्टेट स्पेस में जिस तरीके से पुलबैक बना है यहाँ पे डीएलएफ पे बाय करने की सलाह।
स्टॉक में करेक्शन पे ऑलमोस्ट 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास ये करेक्शन पॉज लेते हुए दिखा और एक वापस पुल बैक बनाया। इस पुल बैक में वापस 20 डे मूविंग एवरेज को क्रॉस करने में कामयाब हुआ स्टॉक। डीएलएफ पे 905 तक की अपसाइड के टारगेट के लिए बाय किया जा सकता है। स्टॉप लॉस होना चाहिए करीब 868 के आसपास। दूसरा स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो मेटल स्पेस से, और उसमें नेशनल एल्यूमिनियम हमें यहाँ पे पसंद आ रहा है। एक कंटिन्यूटी ऑफ अप ट्रेंड है डिस्पाइट ये वोलेटाइल मार्केट में, ये स्टॉक में देखें तो एक सस्टेन अप ट्रेंड देखने को मिला। स्टॉक एक अप स्लोपिंग चैनल में ट्रेवल करते हुए दिख रहा है, तो कैश सेगमेंट में नेशनल एल्यूमिनियम बाय करने की सलाह है। अपसाइड के टारगेट एक्सपेक्ट करें 245 तक, और स्टॉप लॉस होगा करीब 224 रुपए के आसपास। ठीक है, नालको आज हम देखने की तेजी है, नालको में, हिंडालको में, दोनों ही शेयरों में तेजी है। और आज हम दोपहर में 12:30 बजे वाले शो में भी जब बातचीत कर रहे थे, हमारे साथ थे अजीत मिश्रा, उन्होंने भी ये कहा कि अगर आपको मेटल में कोई सौदा लेना है तो नालको पर और हिंडालको पर ही भरोसा कीजिए। आज 3% की तेजी, और कल को अगर इसे मिला दें तो 2 दिन में करीब 6 से 7% के आसपास की तेजी हो गई है इस शेयर में। दूसरा शेयर डीएलएफ स्ट्रेंथ फिर से दिखा रहा है, आपको इसमें खरीदारी करनी है, टारगेट 905 रुपये का रख के चलना है, और इसके लिए जो स्टॉप लॉस बनेगा वो बनेगा 868 रुपये का। हमारे फंडामेंटल एक्सपर्ट HDFC सिक्योरिटी से देवर्ष वकील भी जुड़ गए हैं। देवर्ष जी, आपसे एक बार ज़रा व्यू चाहिए IT शेयरों को लेकर, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इन्फोसिस कमज़ोर है, विप्रो का शेयर मजबूत है 4.5%। हालांकि अगर हम ट्रिगर्स की बात करें, डील विंस तो ठीक ठाक ही आई हैं, थोड़े से कमेंट्री को लेकर ही मामला है, अगर इन्फोसिस अगर गड़बड़ है तो। आप जरा बताइए कि IT सेक्टर आपको कैसा लग रहा है इस वक्त? देखिए, IT क्षेत्र में पहले बिजनेस के डिमांड की ओर से काफी प्रश्न उठ रहे थे। उनको लग रहा था कि ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पीछे या डील विंस के पीछे तो बिजनेस में ग्रोथ नहीं आएगा, पर जो रिजल्ट्स देख रहे हैं उससे हमें लग रहा है कि बिजनेस में जो पहले डबल डिजिट ग्रोथ आता था वैसा ग्रोथ नहीं है, पर काफी अच्छी पाइपलाइन है, मार्जिन इंटैक्ट है, और ये जो रिजल्ट आ रहे हैं वो दिखा रहा है कि आगे की गाइडेंस बढ़ा के ले रहे हैं कंपनी। तो हम ऑलरेडी काफी अच्छी रैली नीचे से IT स्टॉक्स में देख चुके हैं, तो हमारा जो रेटिंग है वो ये सब स्टॉक्स में ऐड का है। इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पे अगर कमजोरी होगी, थोड़ी गिरावट आएगी, तो 10% जैसी गिरावट में फिर हम ये कंपनी में इन्वेस्ट करने की सलाह देंगे। अभी हम वेट कर रहे हैं, काफी मिड कैप की जो IT कंपनियां हैं, जहां पे कुछ कुछ कंपनियां हैं जैसे बिरला सॉफ्ट की कंपनी होगी, हैप्पीएस्ट माइंड हो गई, या तो मैस्टेक हो गई, वहां पे अभी खरीदारी की सलाह है। पर जो लार्ज कैप IT कंपनी है जैसे कि इंफोसिस है, TCS है, HCLTech है, उसमें हमारी ऐड की रेटिंग है, थोड़े गिरावट के बाद हम फिर से इन्वेस्ट करने की सलाह देंगे। ओवरऑल व्यू आगे के क्वार्टर के लिए अच्छा है, पर वेट करेंगे, थोड़ा 10% करेक्शन के बाद निवेश करेंगे। ठीक है, दो चार शेयर मेरे को और भी लेने हैं, जैसे विप्रो है, एक्सिस बैंक है, सबके बारे में तो मैं डिस्कशन भी करूंगा, और इसमें मेरे आप सहयोगी भी मेरे साथ जुड़ेंगे ताकि आपको बता पाएं कि नतीजे के बाद किस तरह से विप्रो और एक्सिस बैंक में सब चल रहा है। लेकिन उससे पहले जहाँ जहाँ पे लॉन्ग पोजिशन बनी है थोड़ा, इसके अलावा वाले शेयर्स वो भी मैं आपको ज़रा नोटिस करवाता हूँ। आज बढ़िया पोजिशन फिर से MCX पे बनी है, एक बार ज़रा जल्दी से बताएंगे आप राजेश सर MCX। तो देखिए डीपी जी, प्लेटफॉर्म कंपनी में एक कंटिन्यूटी बनी हुई है। MCX में देखें तो ओवरऑल स्ट्रक्चर बुलिश है। एक 2-3 दिन का एक माइल्ड प्रॉफिट बुकिंग के बाद वापस से स्टॉक ने अपना अप ट्रेंड को रिज्यूम करा है आज के सेशन में, और जिस तरीके से आज प्राइस एक्शन देखने को मिला है, हमें लगता है यहाँ पे नए ऑल टाइम हाई में स्टॉक कंटिन्यू करेगा। नेक्स्ट टारगेट इसके 6650 6700 तक आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस रखना होगा बाय करने के लिए करीब 6510 के आसपास। मैं अपने सहयोगी को भी जोड़ लेता हूँ अपने साथ ताकि वो बता पाए कि विप्रो और एक्सिस बैंक में जोरदार तेजी नंबर्स के बाद क्या थी, और इन्फोसिस में आज 4% से ज़्यादा की कमजोरी क्यों थी। इस पे जानकारी देने के लिए मेरे साथ वरुण जुड़ रहे हैं। वरुण, जरा सारा कुछ बता दीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। नतीजों का इम्पैक्ट सारी सी बातें सब में देखने मिल रहा है। सबसे पहले एक्सिस बैंक की मैं बात करता हूँ, तो आप देखेंगे स्टॉक में अच्छी खासी तेज़ी इसके लिए भी है क्योंकि नतीजे तो ठीक है, अगर आप ओवरऑल लोन ग्रोथ देखें तो करीब 11% के आसपास की रही है। हालांकि लोग मान के चल रहे थे कि शायद लोन ग्रोथ इससे भी अच्छी होगी, लेकिन बाकी इंटरनल्स अगर आप देखेंगे तो वो अच्छे हैं, क्योंकि यहाँ अगर आप देखेंगे तो मुनाफे में 18% के आसपास का उछाल देखने मिला,
इसके अलावा आई में 14% के आसपास का उछाल देखने मिला, एनपीएस में गिरावट हुई, ये एक अच्छी बात है। और मैक्वेरी ने 1400 का टारगेट दिया है, नमूरा ने 1380 का टारगेट दिया है। वो इसलिए भी आप देखिएगा स्टॉक में तेजी है क्योंकि नतीजों के पहले स्टॉक काफ़ी चल चुका था, माफ़ कीजिएगा गिर चुका था, 1300 के आसपास पहले ट्रेड करता था, वहाँ से काफ़ी नीचे आ चुका था, तो एक बाउंस बैक देखने मिल रहा है। विप्रो की बात करें तो देखिए विप्रो एक ऐसा स्टॉक माना जाता है कि ऐसी कंपनी मानी जाती है जो लगाड़ है, यानी कि पूरे आईटी स्पेस में सबसे कमज़ोर नतीजे देने वाली। लेकिन इस बार अगर आप देखेंगे तो नतीजे अच्छे रहे इस कंपनी के, लास्ट डील्स 28.8% बढ़ी, एबिटा मार्जिन्स अगर आप देखेंगे एबिट मार्जिन्स उसमें बढ़ोतरी देखने मिली, करीब 16.8% के आसपास हुआ है और 1:1 का बोनस दिया है, तो जाहिर सी बात है इसका इम्पैक्ट देखने मिला। वहीं इन्फोसिस को अगर आप देखेंगे तो ये स्टॉक भी ऑलमोस्ट अपने 52-week हाई के आसपास चल रहा था, तो थोड़ी सी निराशा आई और स्टॉक में आपने ज़्यादा इंपैक्ट देखा। खासकर एबिट मार्जिन देखिए इस कंपनी के गिर के आए हैं, ये एक दिक्कत की बात है। नो डाउट इन्होंने गाइडेंस बढ़ाया है लेकिन उसके बावजूद अगर आप देखेंगे तो स्टॉक में गिरावट देखने मिल रही है। तो तीनों के अगर मैं रीजंस बोलूं, एक्सिस बैंक नतीजे अच्छे लेकिन काफ़ी गिर चुका था तो आज चला, इन्फोसिस नतीजे एबिटा मार्जिन में थोड़ी गिरावट, स्टॉक चल चुका था तो आज गिरा, और विप्रो एक लगाड़ था, परफॉर्म अच्छा कर लिया तो स्टॉक चल गया। ठीक है वरुण, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच ये जानकारी देने के लिए। तो रिजल्ट्स का इंपैक्ट आप देख रहे होंगे सब स्क्रीन पर ही, जहाँ पे ठीक आ रहा है वहाँ पे अच्छा रिवॉर्ड दे रहा है और जहाँ पे थोड़ा भी खराब है वहाँ पे अच्छी पनिशमेंट भी दे रहा है। तीनों शेयर ऑलमोस्ट आपको परसेंटेज में 4-5% ऊपर नीचे दिखेंगे। एक काम कर लेते हैं, जरा टेक्निकल व्यू भी ले लेते हैं। जरा विप्रो पे मैं लेना चाहता था कॉल वैसे भी, लेकिन मैं नंबर्स की वेट कर रहा था। एक बार हमको वरुण बता दें, विप्रो करीब 5% ऊपर है, बिल्डअप ओपन इंटरेस्ट वाली प्लेट दिखाना है इसमें, हाँ वो करीब आपको 7-8% का दिखेगा। अमोल सर एक बार जरा आप चेक करना है इसके अंदर, ये पोजीशन बीटीएसटी करके जाने वाली है जी। आई थिंक ओवरऑल पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी आज का टेक्सचर जो बना है वो काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है शॉर्ट टर्म में। मुझे लगता है 545 एक इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा विप्रो के लिए, अगर उसके ऊपर अगर ये रहता है तो ये जो मोमेंटम स्टॉक ने पकड़ा है वो कंटिन्यू रहने के चांसेस फिलहाल चार्ट्स में दिख के आ रहे हैं, तो बीटीएसटी कैंडिडेट तो जरूर लग रहा है। ऑन द हायर साइड अगर यही टेक्सचर कंटिन्यू रहता है तो 570-575 तक के लेवल्स भी आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। कुछ कुछ और शेयर्स भी हैं जहाँ पे कोर स्ट्रेंथ आज बढ़िया बनती हुई दिख रही है, उसमें एक शेयर है श्रीराम फाइनेंस का, 3367 रुपये का भाव है श्रीराम फाइनेंस, एक बार जरा स्क्रीन पर ये भी दिखाना। और तेजस एक बार जरा आप इस शेयर को चेक करो श्रीराम फाइनेंस को, और कितना चल सकता है बस ये पता करना है मेरे को। देखिए श्रीराम फाइनेंस पिछले 4-5 दिन से स्टॉक करेक्शन मोड में था और 50-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेके स्टॉक ने आज रिकवरी दी है। एक जो कैंडलस्टिक पैटर्न हम बोलते हैं बुलिश पियर्सिंग पैटर्न वो हम देख रहे हैं आज डेली चार्ट पे, तो मुझे लग रहा है ये जो रिकवरी है वो कंटिन्यू होगी और ऊपर में अगर इमीडिएट बेसिस पे देखेंगे तो यहाँ से भी हम 100 रुपए की तेजी और देख सकते हैं। सो 3440 पहला लक्ष्य रहेगा और उसके ऊपर चला तो 3480 तक भी स्टॉक जा सकता है। इस बीच कई कंपनीज के नंबर आ रहे हैं, उसमें से जी जो पहले टॉप 50 कंपनीज में शामिल हुआ करता था, अब तो खैर वो नहीं रहा, फ्यूचर्स में से बाहर चला गया वो, उसके नंबर्स आए हैं। तो खबर मार्केट के अंदर अब ये आई है कि इनका जो प्रॉफिट है वो 123 करोड़ से बढ़कर 200 करोड़ प्लस हो गया, ये एक अच्छी बात है। लेकिन कंसोलिडेटेड आय थोड़ी सी घटी है, ये YOY बेसिस पर आप देख पा रहे होंगे, इनमें करीब 5% की आय इनकी घटी है और अभी 2034 करोड़ रुपये के आसपास की है। तो एक दो हिस्सों में आपको देखना, फर्स्ट इज़ Q1Q एंड सेकंड इज़ YOY। तो कई मामलों में इनका अबीटा मार्जिन YOY पे जैसे बड़ा होगा, करीब 16% के आसपास का मार्जिन आया होगा, ज़्यादा मार्जिन ज़्यादा प्रॉफिट लाता है, लेकिन सेल्स जस के तस है। इसका मतलब ये है कि बिजनेस की बहुत ज़्यादा ग्रोथ तो नहीं है लेकिन जो ग्रोथ हुई है वो हाई एंड मार्जिनस भी हुई है, इससे प्रॉफिट भी आ गया और मार्जिनस की रेशो भी सुधर गई। मार्केट को ये स्ट्रेटजी बहुत अच्छी लगती है कि भाई आप जो भी काम कर रहे हो उसी को और रिफाइन और बेहतर तरीके से कर दो, और अभी आप देखोगे शेयर करीब 5% ऊपर है। खबर मार्केट को एक और सुननी थी, वो सुननी थी कि MD एंड CEO को लेकर क्या फैसला होता है बोर्ड की बैठक में। तो पुनीत गोयनका जो अभी भी कंपनी के MD एंड CEO हैं वो बने रहेंगे, वो आगे भी बने रहेंगे, ये खबर भी मार्केट की आई है। हालाँकि मार्केट इस लिहाज से थोड़ा और भी कुछ सुनना चाहेगा, ये शेयर न्यूज़ अधीन शेयर है, ये शेयर अर्निंग अधीन नहीं है, इसलिए अर्निंग की एक मर्यादा है, वो 2-5% 8% इससे ज़रा रिएक्शन नहीं दिलवा पाएगा इस शेयर को। ये शेयर न्यूज़ अधीन है, इसमें आपको
थोड़ा सा लीगल वाली खबरें भी चल रही हैं, इनके अंदर जहाँ जहाँ से राहत मिलेगी शेयर रिएक्शन देगा। फिर MD एंड CEO के पद को लेकर अभी तो फैसला हो गया कि पुनीत जी रहेंगे, लेकिन इसको लेकर क्या और बातें तो नहीं निकल के आती है? बोर्ड की बात अलग है, कस्टमर्स की यानी कि स्टेक होल्डर्स की बात अलग है, वो क्या मानते हैं, कैसे सोचते हैं, सब चीज़ों को ये सब रिएक्शन देगा। इसलिए नंबर्स एक लिमिटेड रिएक्शन देंगे, नंबर्स के अधीन नहीं है शेयर अपनी तेज़ी मंदी के लिए। देवर्ष वकील भी हमारे साथ है। देवर्ष, नंबर जितने हमारे पास आए उतने सब हमने फायर कर दिए हैं, एक बार जरा आप भी देख लीजिएगा, रिएक्शन आया है बट इतना एक्सपेक्टेड है, प्रॉफिट ऑलमोस्ट आपका डबल हो जाए, मार्जिन आपके इम्प्रूव हो जाएं, तो जितना चलना चाहिए शेयर को उतना तो चल ही गया 4-5%। लेकिन जैसे मैंने कहा ये न्यूज़ अधीन शेयर है, आपका इस पर टेक क्या है सर? नहीं, ये अभी हमारे कवरेज में नहीं है डिपी, इसलिए इसमें मैं कोई कमेंट नहीं कर पाऊंगा। अच्छा ठीक है, तो फिर एक काम करते हैं, टेक्निकल व्यू ले लेते हैं। तेजस जरा आप ही चेक करना, जी एंटरटेनमेंट, जिल। देखिए जी एंटरटेनमेंट का अगर चार्ट देखेंगे तो कंटिन्यूसली लोअर टॉप लोअर बॉटम बना रहा है, प्लस इसकी जो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस है 20 दिन और 50 दिन की, उसके कंसिस्टेंटली नीचे ट्रेड कर रहा है। बट अगर एक लंबे नजरिए से देखेंगे तो 124 से लेके 125 के करीबन काफी अच्छा भेज है स्टॉक का। इमीडिएट बेसिस पे अगर देखेंगे तो 4-5 बार ये स्टॉक वहां से बाउंस किया है, तो 124-125 का लेवल अगर ब्रेक नहीं करता है तब तक तो कोई बड़ी फॉल स्टॉक में लग नहीं रही है। बट ऊपर के लेवल में भी अगर देखेंगे तो रेजिस्टेंस है अभी 135 का और उसके ऊपर है 143। जब तक ये लेवल सरपास नहीं करेगा मुझे लग रहा है स्टॉक और कंसोलिडेशन में कायम रह सकता है। ठीक है, तो एक टेक्निकल व्यू दे दिया, लेकिन मैं फिर से बताऊं टेक्निकल वालों को ज़्यादा इसमें दिखेगा नहीं कुछ भी, क्योंकि शेयर इतना 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 फंसा हुआ है रेंज के अंदर कि उसमें टेक्निकल कॉल ले तो ली क्योंकि दिवस सर के पास इसकी कवरेज नहीं थी, नहीं तो ये शेयर फंडामेंटली देखने वाला है। और मैं आपको फिर से बोलूँगा, अपने वित्तीय सलाहकारों को एक बार उठाइएगा, जगाइएगा और उनसे शेयर के बारे में ज़रा पता कीजिएगा। कई बार किसी वजह से शेयर अच्छी वैल्यूएशन पे भी मिल जाते हैं। मैं सीधा तो नहीं कह रहा कि आप इस शेयर को ले लो, बट एक बार इसके बारे में पता ज़रूर करवा लो और अच्छे से पता कर लेना। हम भी कोशिश करेंगे जिनकी भी कवरेज लिस्ट में होगा उनसे हम आपके सामने पता ज़रूर करवाएंगे। ठीक, छोटा सा ब्रेक, जब ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे तो हम एक ऑप्शंस का फोन आपके सामने रखेंगे, यानी कि एक ऑप्शंस का ट्रेड होगा, साथ ही साथ मार्केट सेट 3 ये भी आपके सामने रखेंगे। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है क्लोजिंग कॉल में। बाजार अपने गेंस को प्रोटेक्ट करने की बहुत ही अच्छे प्रयास कर रहा है। 24,882 के आसपास से इस वक्त निफ्टी आपको कारोबार करता हुआ देखिएगा, 900 के बेहद करीब है। और निफ्टी बैंक की बात करें 850 अंकों की तेजी है। हालांकि अगर आप देखेंगे कि बुल्स और बेयर्स के बीच में ना रस्साकशी चल रही है, अगर आप ब्रॉडर मार्केट की बात करें तो 1258 शेयर मजबूत हैं और 1292 शेयर NSE पर कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहे हैं। आज बाजार को सपोर्ट देने वाले जो सेगमेंट्स हैं वह हैं बैंकिंग, फाइनेंशियल, मेटल और सेलेक्टिव ऑटो काउंटर, जिसमें कि आयशर का भी नाम शामिल है। आगे बढ़ते हैं और आप ये समझ लेते हैं कि आपके लिए ऑप्शंस ट्रेड करके पैसे बनाने के मौके कौन से इंडेक्स में या फिर कौन से स्टॉक में बन रहा है। लेकर आएंगे ऑप्शंस का चैंपियन। सेंट्रल ब्रोकिंग के नीलेश जैन हमारे साथ हैं। नीलेश जी बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, बताइए क्या ट्रेड करना है सर, नजर कहां पर है आपकी? वेरी गुड आफ्टरनून। देखिए खरीदारी पर फोकस है और बैंकिंग स्पेस पे नजरें हैं, जिस हिसाब से बैंक निफ्टी में एक बुलिश कैंडल बन रहा है, एक रिवर्सल के इंडिकेशन है यहाँ पर, और यहाँ से जो नेक्स्ट लेग ऑफ रैली है वो बैंक निफ्टी लीड करता हुआ नजर आ सकता है। तो यहाँ पर ICICI बैंक इस पर्टिकुलर स्टॉक में काफी अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग आज हमें देखने को मिल रही है, तो हम यहाँ से एक शॉर्ट कवरिंग और एक फॉलोअप मूव एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं टुवर्ड्स द लेवल्स ऑफ 1280-1300। इसीलिए यहाँ पे कॉल ऑप्शन के जरिए खरीदारी करने की सलाह होगी। 1260 का कॉल ऑप्शन जो करेंटली 23-24 के रेंज में ट्रेड हो रहा है, इसे लॉन्ग करें। 16 का स्टॉप लॉस होगा, 30 रुपीज पहला टारगेट, 38 रुपीज के दूसरे टारगेट के लिए। इसका लॉट साइज है 700 का, इसीलिए इन टर्म ऑफ रुपीज 4900 का रिस्क है एंड 10,500 के रिवॉर्ड यहाँ पे बनते हुए नजर आ सकते हैं। बैंक में 1260 वाली कॉल खरीदनी है एट द मनी वाली, और ये मिलेगी आपको 23-24 रुपए के भाव पर। टारगेट इसका होगा 30 रुपए और दूसरा लक्ष्य होगा 38 रुपए का।
स्टॉप लॉस आपको लगा के रखना है 16 रुपए पर, अधिकतम मुनाफा 10,500, अधिकतम नुकसान होगा 4,900 रुपए का। और सही कहा नीलेश जी ने कि बैंकिंग का वो इंटेंट दिख रहा है, मतलब जो डिप्स आ रहे हैं ना उसको बड़े स्ट्रांगली बाई किए गए हैं, चाहे वो ICICI बैंक हो, HDFC बैंक हो, बाकी SBI की स्थिति भी ऐसी है। 2.5% ऊपर ICICI बैंक कारोबार कर रहा है, और आज की जो स्ट्रेंथ है निफ्टी बैंक में सबसे ज़्यादा योगदान ICICI बैंक का है, क्योंकि वेटेज ज़्यादा है। एक्सिस बैंक परसेंटेज वाइज आपको ऊपर दिखेगा, लेकिन पॉइंट के लिहाज से इसका कॉन्ट्रीब्यूशन आज ज़्यादा है। लेकिन बैंकिंग का एक्शन अब, कल बाजार तो वैसे बंद है लेकिन सोमवार को ज़रूर देखेगा, क्योंकि कल नतीजे आ जाएंगे HDFC बैंक के और कोटक बैंक के। HDFC बैंक ने फिर से कोशिश कर रहा है 1700 रुपये के आसपास जाने की, आज अच्छी तेज़ी है, लेकिन नतीजों को लेकर क्या अनुमान है दोनों बैंकों से, HDFC बैंक और कोटक बैंक से, ये बताने के लिए हमारे सहयोगी गौरव जबलकर जुड़ गए हैं। गौरव बताइए, किस तरह के आंकड़े आएंगे, क्या यहाँ पर भी एसेट क्वालिटी में सुधार की उम्मीद है, और बाकी फोकस में क्या रहेगा, जरा बताइए आप। जी हाँ, तो अगर हम बात करें HDFC बैंक की, तो कहीं पे अगर हम अनुमान की बात करें तो कहीं पे एक फ्लैट नंबर जो है वो हमें देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं नेट इंटरेस्ट इनकम से, वहाँ पे एक फ्लैट ग्रोथ हमें सिक्वेंशियल बेसिस पे देखने को मिल सकती है, क्योंकि कहीं पे कॉस्ट ऑफ फंड्स का जो प्रेशर है वो वैसे ही बना रहेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें PPOP की, तो कहीं पे कॉस्ट टू इनकम तो हाई रहेगा, बट इसी के साथ साथ फी इनकम भी कहीं पे हाई रह सकता है, और इसके चलते हुए ये सेम ट्रेंड जो है वो एक जो ग्रोथ है वो एक फ्लैट ग्रोथ के ट्रेंड जो है हमें PPOP में भी देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कहीं पे हर एक बैंक में क्रेडिट कॉस्ट नॉर्मलाइजेशन का ट्रेंड चल रहा है, और इसके वजह से कहीं पे प्रोविजन जो है वो थोड़े बढ़ते हुए हमें देखने को मिल सकते हैं, और इसी के चलते हुए प्रॉफिटेबिलिटी की अगर बात करें तो वहाँ पे थोड़ी गिरावट जैसे है, एक 1% की मार्जिनल गिरावट जो है वो सिक्वेंशियल बेसिस पे तो देखने को मिल सकती है, बट अगर हम बात करें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो कहीं पे फ्लैट ग्रोथ जो है वहाँ पे भी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें बैंक की, तो कहीं पे नेट इंटरेस्ट मार्जिन में हमने देखा था कि पिछले क्वार्टर में 3.47% पे आया था, इस क्वार्टर में अनुमान ऐसा है कि कहीं पे फ्लैट रहेंगे ये मार्जिन, या फिर 3-4 बेसिस पॉइंट का जो अपटिक है वो हमें देखने को मिल सकता है। और इसी के साथ साथ अगर हम बात करें बैंक के प्रोविजनल डेटा की, तो वहाँ पे हमने ऑलरेडी देखा था कि एडवांसेस या डिपॉजिट्स में, जैसे अगर हम बात करें डिपॉजिट्स की, तो एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिली थी, बट एडवांसेस में कहीं पे एक सिंगल डिजिट ग्रोथ जो है वो देखने को मिली थी। तो इसी के ऊपर एनालिस्ट का मानना यह है कि कहीं पे जो सिंगल डिजिट ग्रोथ है वो कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, बट आगे जाके डिपॉजिट ग्रोथ जो रहेगा वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि जैसे हमें पता है HDFC बैंक में LDR रेशियो, जो कि लोन टू डिपॉजिट रेशियो होता है, वो 100 से भी ज़्यादा था, जो कि एक इशू के रूप में इन्वेस्टर्स देखते थे, और अभी अगर बात करें इम्प्लाइड LDR रेशियो की, तो वहाँ पे वो 100% पे आ चुका है। और इसी के चलते हुए डिपॉजिट्स में ग्रोथ जो है उस पे ज़्यादा फोकस रहेगा, नेट इंटरेस्ट मार्जिन की ट्रैजेक्टरी कैसी रहेगी उस पे भी फोकस बना रहेगा, और आगे जाके कहीं पे जो क्रेडिट कॉस्ट है उसके ऊपर जो कमेंट्री आएगी वहाँ पे भी फोकस HDFC बैंक की तरफ से जो है वो बना रहेगा। कोटक बैंक से क्या अनुमान है गौरव? जी, अगर हम कोटक बैंक की बात करें, तो कहीं पे ये जो बैंक है उसमें अनुमान ऐसा है कि एडवांसेस में कहीं पे हमें उसके पीयर्स के मुताबिक थोड़ा ज़्यादा ग्रोथ जो है वो देखने को मिल सकता है, और उसका जो अनुमान है वहाँ पे कहीं पे 4% का एक सीक्वेंशियल ग्रोथ जो है वो हमें देखने को मिल सकता है। और इसी के चलते अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें, तो नेट इंटरेस्ट इनकम में भी ये जो सेम नंबर है वो रिफ्लेक्ट होते हुए हमें देखने को मिल सकता है, ऐसे एनालिस्ट का मानना ही है। अगर हम बात करें PPOP की, जैसे कि प्री प्रोविजनल ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ, तो वहाँ पे कहीं पे जो इनकम कॉस्ट टू इनकम है वो ज़्यादा रह सकता है, क्योंकि जैसे हमें पता है कि कोटक महिंद्रा बैंक में IT स्पेंडिंग जो है वो ज़्यादा है, और इसी के चलते हुए कहीं पे PPOP में हमें इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है, वहाँ पे थोड़ा डीग्रोथ जो है 2% का देखने को मिल सकता है। बट इसी के बाद अगर हम बात करें एसेट क्वालिटी की, तो वहाँ पे कुछ ज़्यादा कंसर्न्स नहीं है, और इसी के चलते हुए कहीं पे प्रॉफिटेबिलिटी है वहाँ पे भी ये जो डीग्रोथ है वैसे ही कंटिन्यू होते हमें देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें एसेट क्वालिटी के अलावा भी, तो कहीं पे नेट इंटरेस्ट मार्जिन पे चलते हैं, जैसे हमने देखा है कि बैंक का नेट इंटरेस्ट मार्जिन 5% से भी ज़्यादा था, बट इस क्वार्टर में कहीं पे ये जो प्रेशर है नेट इंटरेस्ट मार्जिन पे वो बनते हुए देखने को मिल सकता है। कहीं पे जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन से वो 5% का लेवल ब्रीच कर सकता है, और कहीं पे 5-7 बिप्स का फॉल हमें देखने को मिल सकता है। और इसके दो रीजन है, सबसे पहले अगर हम बात करें डिपॉजिट रिप्राइजिंग की, और दूसरी अगर बात करें तो जो अनसिक्योर्ड लेंडिंग में स्लो डाउन है, इन दोनों की वजह से हमें कहीं पे नेट इंटरेस्ट मार्जिन पे प्रेशर देखने को मिल सकता है। बट इसी के बाद अगर हम बात करें बैंक की तरफ से कमेंट्री की, तो वहाँ पे डिपॉजिट ग्रोथ में कमेंट्री काफ़ी ज़्यादा जरूरी रहेगी, क्योंकि उन्होंने फिलहाल में ही एक्टिव मनी जो है उनका वो चालू किया था। इसी के साथ साथ टैक्स पेंडिंग का जो कमेंट्री है वो इंपॉर्टेंट रहेगा, और आखिर में जैसे हमें पता है कि RBI की तरफ से जो सुपरवाइजरी एक्शंस ली गई थी क्रेडिट कार्ड में और पर्सनल लेंडिंग में, वहाँ पे क्या प्रोग्रेस है और इस पे क्या कमेंट्री रहेगा, वो कोटक महिंद्रा बैंक के लिए इस रिजल्ट में काफ़ी ज़्यादा जरूरी रहने वाला है। ठीक है, बहुत कुछ एक्साइटिंग नहीं लग रहा है, मतलब दोनों ही जो अनुमान बता रहे हैं। गौरव पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, क्योंकि एक्सिस बैंक में अच्छी चीज़ें थी, वहाँ पर क्रेडिट ग्रोथ अच्छी आई, वहाँ पर एसेट क्वालिटी में सुधार आया,
लेकिन अगर हम HDFC बैंक की बात करें तो अगर मुनाफा ये स्टेबल रहेगा, और अगर हम बात करें एसेट क्वालिटी की, वहाँ पर भी हम स्टेबल सेट ऑफ नंबर्स ही देख रहे हैं, लेकिन डिपॉजिट बढ़ने की उम्मीद है। और पिछले 15-20 दिन में ये चेंज हुआ है बैंकिंग सेक्टर में कि जो डिपॉजिट की दिक्कत थी धीरे धीरे वो दूर हो रही है, और उससे पुख्ता संकेत आ जाएंगे। HDFC बैंक के नतीजे आएंगे, जब मैनेजमेंट की कमेंट्री आएगी वो पता भी चल जाएगा कि अभी स्थिति क्या है। एक बार जरा व्यू ले लेते हैं HDFC बैंक पर और कोटक बैंक दोनों पर। राजेश जी, आपसे जानना चाहेंगे, HDFC बैंक 1600 के आसपास फिर से घूम फिर के आ गया था शेयर, और डर लग रहा था कि 1600 के नीचे ना जाए, लेकिन सपोर्ट को बचाया और फिर से 1700 रुपये के आसपास है HDFC बैंक। राजेश जी, जरा दोनों बैंक पर आप व्यू दीजिए, और दोनों क्या बल्कि आप उसमें ICICI बैंक को भी शामिल कर लीजिए, क्या आपकी सलाह होगी इसमें से? अगर एक दो अगर बैंक चुनने हैं तो आपके कह सकते हैं कि वरीयता क्रम में कौन से ऊपर नीचे होंगे? ये सबसे टॉप प्रायोरिटी पे, तो अगर टेक्निकली सेटअप की बात करूं तो मुझे ICICI बैंक सबसे ज्यादा पसंद है। एक कंटिन्यूटी बनी है, करेक्शन के बाद स्टॉक ने जिस तरीके से स्ट्रेंथ दिखाई है, वापस से रिवर्सल बना है, तो ICICI बैंक हमें यहाँ पे पसंद है, और हमें लगता है कि ये स्टॉक में पोटेंशियल है वापस 1300 के लेवल को क्रॉस करने का। स्टॉक ने 50-day मूविंग एवरेज के आसपास से सपोर्ट लेके पुल बैक दिया है, हमें लगता है ये मोमेंटम 1300 के आसपास कंटिन्यू होगा, तो ICICI बैंक हमारी प्रिफर्ड चॉइस रहेगी अभी इन तीनों स्टॉक्स में। लेकिन HDFC बैंक को भी देखें तो HDFC बैंक में पुल बैक तो बन रहा है, लेकिन इसका जो मेजर सप्लाई जोन है वो है 1700 के आसपास। जब तक वो लेवल को ये क्रॉस नहीं कर पाता है विथ वीकली क्लोज, आई थिंक ये थोड़ा साइडवेज या एक टाइट रेंज में ही ट्रेड करता हुआ दिखेगा। इसकी रेंज हमें जो लगता है वो रहेगी करीब 1640 से 1700 की। 1700 के ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे 1740 तक की एक पुलबैक बनेगी। बट अगर कंपेयर करें तो ICICI बैंक का स्ट्रक्चर ज्यादा मजबूत है। कोटक बैंक में भी जरूर एक पुलबैक बना है, लेकिन यहाँ पे भी 1900-1920 ये लेवल क्रॉस होना जरूरी है अगर इसको फर्दर एक्सटेंड करना है अपने गेन को। बट काफी बड़े कंसोलिडेशन के बाद कोटक बैंक में एक मोमेंटम तो बना है, तो हमें लगता है कि यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि अगर थोड़ा मार्केट स्टेबलाइज होता है तो कोटक बैंक में एक आउट परफॉर्मेंस आते हुए दिख सकता है, 1940 की तरफ टारगेट आते हुए दिख सकते हैं, स्टॉप लॉस होगा करीब 1855। तो फर्स्ट चॉइस रहेगी ICICI बैंक, देन कोटक, एंड HDFC बैंक हमें लगता है कि थोड़ा अभी रुकना चाहिए, ब्रेकआउट का वेट करना चाहिए। खैर, इस बीच आप नंबर्स के लिहाज से जी एंटरटेनमेंट के नंबर आए थे, शेयर करीब 6% ऊपर है, और यही आज का अभी तक का रिजल्ट्स का इम्पैक्ट पॉजिटिव हाथों हाथ देने वाला शेयर बना। इसके अलावा आपने कई बड़े शेयर्स के नंबर देखे होंगे बट उनका रिएक्शन उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, या तो आया तो डिले इम्पैक्ट के साथ आया, लेकिन इसका इम्पैक्ट जैसे नंबर्स घोषित हुए उसके साथ साथ बना, और 5.5% 6% अभी भी ये ऊपर है। बड़े नंबर्स का इम्पैक्ट आज ही ख़त्म कर देगा, कल यानी कि मंडे को आप इसको अलग दृष्टि से देखिएगा। आगे बढ़ जाएं, कुछ और शेयर भी मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, लेकिन इससे पहले MGL और IGL के दिन ठीक नहीं चल रहे हैं। असल में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज IGL MGL में ज़ोरदार गिरावट आज रही। APM गैस के आवंटन में 20% तक की कटौती की गई है, जिसका असर सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के मार्जिन पर पड़ेगा। दाम बढ़ाते हैं तो फिर पेट्रोल डीजल के बराबर दाम हो जाएंगे, फिर डिमांड पर पड़ेगा। ऐसी कुछ पशोपेश है, ऐसी कोई दिक्कत है, बता रहे मेरे सहयोगी स्वामी सरकार, सुन लेते हैं। दिवर सर, आप भी सुनना जरा गौर से, उसके बाद मैं फिर आपके पास आऊँगा IGL और MGL का टेक लेने के लिए। एक बार आप सुनिएगा सौमित को, आप भी। सौमित जी बताएं, अगर आप देखिए तो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जैसे कि IGL, MGL, गुजरात गैस, अडानी टोटल गैस, ये सारी कंपनीज फोकस में रहेगी, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो है APM गैस एलोकेशन, जो कि सस्ती गैस सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को मिलती थी, उसका एलोकेशन कम कर दिया गया। अब ये पहले 72% था, इसको 20% से कम कर दिया गया है 16 अक्टूबर से लेकर। अब इसके पीछे के रीजंस ये है कि जो नंबर ऑफ सिटी गैस एरियाज है वो बढ़ रहे हैं, लोअर गैस प्रोडक्शन है, और गवर्नमेंट थोड़ा बहुत गैस जो है वो ONGC के पेट्रोकेमिकल प्लांट की तरफ भी शिफ्ट करना चाहते हैं, और इसी कारणों की वजह से अगर आप देखेंगे तो जो APM गैस एलोकेशन है वो कम कर दिया गया। इसके वजह से क्या होगा कि सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की जो गैस कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि उन्हें ये सस्ती गैस को महंगी गैस से रिप्लेस करना पड़ेगा। अगर आप स्पॉट मार्केट में गैस के प्राइसेस देखेंगे तो करीब $13.5 पर MMBTU पे है, बट अभी सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को ये गैस $6.5 पर MMBTU से मिलती थी। तो इसका क्या इंपैक्ट होगा कॉस्ट इंक्रीज का, अगर आप देखेंगे तो कंपनीज की जो मार्जिन है उस पर करीब 2.3
2 to 3 rupees पर SCM का इंपैक्ट आ सकता है, जो कि करीब 25 to 43% है फर्स्ट क्वार्टर FY25 के मार्जिन्स के सामने। अब सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज कैसे इस इंपैक्ट को निगेट कर सकती है, सिंपली उन्हें टैरिफ हाइक लेना पड़ेगा। जो प्राइस हाइक होगा वो करीब 6 to 7% का हो सकता है, जो कि करीब 5 रुपया प्रति केजी का है। अब ये क्या ये कंपनी से प्राइस हाइक ले पाएगी, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बट अगर आप देखेंगे तो एनालिस्ट का मानना ऐसा है कि प्राइस हाइक लेना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, स्पेसिफिकली दिल्ली और महाराष्ट्र में, क्योंकि दोनों ही स्टेट्स में इलेक्शन आ रही है, तो इस कारण वो प्राइस हाइक अब नहीं ले पाएगी। और अगर उन्होंने प्राइस हाइक ले भी लिया तो जो CNG और पेट्रोल और डीजल का जो डिफरेंस है वो और कम हो जाएगा, इसके चलते आगे चल के कन्वर्जेंस कम हो सकती है और वॉल्यूम भी कम हो सकता है। तो एक वॉल्यूम पे इंपैक्ट देखने मिल सकता है कि नहीं, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। और सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी क्या करेगी इसको लेके वो जानना इंपॉर्टेंट रहेगा आगे चल के। बट अगर उन्होंने कोई प्राइस हाइक नहीं लिया तो FY26 का जो EPS है वो आराम से 20 से 30% का कट देखने को मिल सकता है हमें इस EPS पे। अब इस सारे न्यूज का कौन सा एक स्टॉक है जो बेनिफिशियरी होगा, वो है ONGC, क्योंकि ONGC की जो गैस है अब आगे चल के हायर प्राइस पे बेचेंगे। अब जो 20% गैस रिडक्शन हो रहा है वो करीब 4 MMSCMD का है, जो कि करीब 7 to 8% है ONGC के एनुअल गैस प्रोडक्शन का। और जो हायर प्राइजेस जो गैस है वो $2.5 प्रति MMBTU के हायर प्राइस से बिके जाएगी, जो कि करीब 0.8 रुपीज EPS में ऐड कर सकता है ONGC की, जो कि करीब 2% है ऑन एन एनुअल बेसिस। ठीक है, तो ये दिक्कत है इस समय है कि भाई एक तो गैस की सप्लाई काटी जा रही है, दूसरा डिमांड के हिसाब से अगर पैसे बढ़ा देते हैं तो डिमांड कम हो जाएगी, तो थोड़ा मुश्किल में दौर से गुजर रहे हैं। और आज देखो किसी तरह का कोई खास पार्टिसिपेशन नहीं है, 10% तो अभी भी IGL नीचे है, MGL के साथ भी यही प्रॉब्लम है। और दोनों के जो एरियाज़ हैं टिपिकली वो दोनों अलग अलग कॉस्मोपॉलिटन सिटीज़ को डील करते हैं। देवेश सर जरा बताइएगा कि आपका टेक क्या है, अब जो प्रॉब्लम है सो है, वो तो मैक्रो वाली प्रॉब्लम है, एक दिन में ठीक हो जाएगा ऐसा भी नहीं लगता। नहीं ऐसा नहीं लगता, ये देखिए नियर टर्म हेडविंड्स है, ये कंपनियों में जो आगे के ग्रोथ के जो प्रोजेक्शन थे जो एनालिस्ट ने अज्यूम किए थे उसमें बड़ी कटौती आएगी, तो उसके पीछे आप देख रहे हो आज के स्टॉक्स में गिरावट आ रही है, 10 से 15% की गिरावट आ रही है। तो जो एक्सपेक्टेशन था, जो मार्जिन के जो एक्सपेक्टेशन थे ग्रोथ के, उसको रिवाइज करना पड़ेगा और उसके पीछे ये स्टॉक्स में अभी भी थोड़ा वेट करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि इन्वेस्टर को ये स्टॉक्स में अभी इन्वेस्ट करने के लिए जल्दी नहीं करनी चाहिए, वेट करिए थोड़े, पर लॉन्गर टर्म देखें, थोड़ा ये नियर टर्म हेडविंड को हटा दे, लॉन्गर टर्म देखें तो गैस एज अ बिजनेस, ये जो कंपनियां का जो बिजनेस है उसमें ग्रोथ आएगी। ऐसा तो है नहीं कि ये जो प्राइसेस है वो स्टेडी रहेगी, पेट्रोल डीजल के प्राइस अगर बढ़ते हैं तो ये कंपनियों को तब अवेलेबल मिलेगा, रूम आएगी कि तब ये लोग अपने गैस के प्राइसेस बढ़ा के अपनी मार्जिन को वापिस रिकूप कर पाएंगे। लॉन्गर टर्म CNG का बिजनेस में और गैस के बिजनेस में ग्रोथ है, मुझे लगता है कि जियोग्राफिकली ज्यादा एरिया में ये लोग एक्सपांड करेंगे, CNG टू व्हीलर भी आगे जाके ग्रो होगा और डीजल को ये लोग धीरे धीरे CNG व्हीकल्स ज्यादा ज्यादा रिप्लेस करेंगे। तो ये जो गिरावट आएगी थोड़े दिनों के बाद स्टेबिलाईज आएगा, तब मुझे लगता है लॉन्गर टर्म के लिए अगर आपके पास पेशेंस है तो ये बहुत रिलेटिवली अच्छा इन्वेस्टमेंट मिलेगा आपको। बाकी सब मार्केट में जो वैल्यूएशन है उसके हिसाब से गैस कंपनियों के वैल्यूएशन काफी अट्रैक्टिव हो जाएंगे और यहाँ पे रिटर्न गारंटीड है, ये कंपनी सरकारी कंपनी है, यहाँ पे बाकी सब चिंताएं कम होती है। तो गिरावट आए 5 से 10% भी यहाँ से और गिरावट आए फिर ये जरूर से इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छे कैंडिडेट बन जाए। ठीक है डन सर, वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद मनापुरम फाइनेंस के अंदर क्यों गिरावट आ रही है आज उसके बारे में भी जानकारी और कुछ BTST/STBT के ट्रेड। निफ्टी बैंक की जो बढ़त है वो है 850 अंकों की और एक स्थिर टाइप का बाजार इस वक्त दिख रहा है, अभी हलचल नहीं हो रही है, जो शेयर ऊपर थे वो ऊपर हैं, जो शेयर नीचे थे वो नीचे हैं। इंफोसिस में 4.5% गिरावट ये कांस्टेंट है, उसमें कोई बदलाव भी नहीं हो रहा है और एक्सिस बैंक का शेयर है करीब 6% ऊपर, ये है निफ्टी का टॉप गेनर। 3:18 हो रहे हैं, एक काम करते हैं आपके ना सोमवार की तैयारी थोड़ी सी हम आज ही करवा देते हैं और लेकर आते हैं BTST या फिर STBT ट्रेड्स अपने एक्सपर्ट्स के जरिए। तेजा जी शुरुआत आपसे करेंगे BTST या फिर STBT की, बताइए क्या सौदा लेना है, आपकी नज़र कहाँ पर गई है?
देखिए आज मेटल सेक्टर में काफी अट्रैक्शन है और ये हिंडालको का जो स्टॉक है मुझे बीटीएसटी के लिए पसंद है। काफी अच्छा चार्ट स्ट्रक्चर है, स्टॉक ने एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न भी बनाई है अपनी 20 दिन की मूविंग एवरेज से। आज स्टॉक ने स्पाइक दिया है और इसका जो प्रीवियस स्विंग हाई था वो भी आज उसने स्टॉक ने निकाल दिया है, तो मुझे लग रहा है बीटीएसटी के लिए एक अच्छा कैंडिडेट है हिंडालको का। तो हिंडालको में आप करंट भाव पे या डिप में खरीदारी करिए, इसमें आपको स्टॉप लॉस लगाना है 740 का और लक्ष्य रहेगा 772 का। 740 का स्टॉप लॉस, 772 का टारगेट, या आप टारगेट स्टॉप लॉस नोट कर लीजिए। 740 का स्टॉप लॉस, 772 का टारगेट हिंडालको के लिए। हिंडालको डे हाई के आसपास जाके आज क्लोजिंग दे रहा है, तो नालको में भी ट्रेडिंग की कॉल्स आई हैं और हिंडालको में भी अब आ रही हैं। हिंडालको एक बढ़िया शेयर आपके लिए, मेटल स्पेस से आज हम बढ़िया मोमेंटम देख रहे हैं। ये शेयर हो गया। राजेश जी आप बताइए, आप क्या रिकमेंड करेंगे, क्या बीटीएसटी करें? तो अभिषेक जी, मदरसन यहाँ पे पसंद आ रहा है। स्टॉक में एक करेक्शन देखने को मिला था, लेकिन स्टॉक में जिस तरीके की स्ट्रेंथ ओवरऑल नियर टर्म शॉर्ट टर्म स्ट्रक्चर पे बनी हुई है, और इस करेक्शन में ऑलमोस्ट स्टॉक 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास से सपोर्ट लेके पुल बैक दे रहा है, हमें लगता है यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि ये स्टॉक अपना मोमेंटम एक्सटेंड करेगा टूवर्ड्स 210-215 की तरफ। तो मदरसन पे बाय करने की सलाह है, स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 202 रुपए के आसपास, टारगेट होंगे 210-215 की तरफ। दूसरा स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो बैंकिंग क्षेत्र से, और उसमें हमें लगता है फेडरल बैंक को भी यहाँ पे फोकस में रखना चाहिए। ये स्टॉक में भी एक अच्छा अप ट्रेंड हमने स्टॉक में देखा हुआ है, और स्टॉक आज भी जिस तरीके से एक स्ट्रेंथ डिस्प्ले कर रहा है कंफर्टेबली, पिछले 3-4 दिनों से स्टॉक को देखे तो 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट लेके होल्ड आउट करते हुए दिख रहा है, और 190 का जो लेवल इसका प्रीवियस ब्रेकआउट था उसके ऊपर भी सस्टेन कर रहा था। हमें लगता है फेडरल बैंक में आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है। 205 के टारगेट के लिए स्टॉक में 1-2 दिन का ट्रेड लिया जा सकता है, डाउन साइड में स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 192 के आसपास। ठीक है, 192 का स्टॉप लॉस, 205 के टारगेट, 10 रुपये ऊपर के टारगेट है। और मदरसन, अगर हम मदरसन संवर्धन मदरसन की बात करें तो 200 रुपये के आसपास अच्छा बेस फॉर्मेशन कर लिया है शेयर ने। आज हम फिर से देख रहे हैं कि 205 रुपये के आसपास का भाव है और 1% के आसपास की तेजी है। 215 रुपये के आसपास जाके एक रिवर्सल आया था जो हाल फिलहाल की जो कमजोरी आई थी बाजार में, लेकिन आज ये शेयर चल रहा है। तो 2 शेयर हो गए आपके लिए। अच्छा, इसके लिए टारगेट क्या बताया आपने राजेश जी शामिल के लिए? फेडरल बैंक के टारगेट हम 200 से 205 तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और मदरसन में हमें लगता है ये 200 मदरसन का अगर हम टारगेट की बात करें तो यहाँ पे आना चाहिए 210 से 212 तक के टारगेट। ठीक है, 210 से 212 के टारगेट हो गए संवर्धन मदरसन की, 202 के टारगेट, 205 के टारगेट हो गया फेडरल बैंक के लिए। तो 2 शेयर आपके लिए हो गए, 3 शेयर हो गए आपके लिए बीटीएसटी के वाले ट्रेड। अमोल आप बताइए आपकी तरफ से कौन सा शेयर होगा, क्या खरीदना है या फिर क्या बेचना है? जी आई थिंक ओवरऑल मार्केट अभी भी थोड़ा सा पुल बैक ही लग रहा है, तो एक ही शेयर्स के साथ मैं जाना चाहूंगा कैरी फॉरवर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। कॉन्कर एक अच्छा लग रहा है एट करंट लेवल 858 के आसपास, बड़ा करेक्शन के बाद एक रिवर्सल फॉर्मेशन दिख रहा है, डबल बॉटम फॉर्मेशन डेली चार्ट पे दिख के आ रहे। आई थिंक 858 का छोटा स्टॉप लॉस होगा कैरी फॉरवर्ड ट्रेड के लिए। पोजिशनली भी लगता है कि अगर ये रिवर्सल लगता है होता है तो आई थिंक ये 900 तक के लेवल दिख सकते हैं आने वाले दिनों में। ठीक है, कॉनकोर के शेयर पर ये व्यू 870 रुपये का फिलहाल ये शेयर है, इसमें आप तेज़ी करके चलिए, आपका प्रॉफिट और बनेगा। आज एक थीम जो कल भी कमज़ोर थी आज भी कमज़ोर है वो है कंजम्पशन का, चाहे पेंट वाली कंपनीज हो या फिर प्योर FMCG हो, टाइटन, HUL, नेस्ले, ब्रिटानिया, एशियन पेंट्स, ये शेयर आज कमज़ोरी के साथ बंद हो रहे हैं जबकि बाजार आज मजबूती दिखा रहा है। देवर जी एक सवाल मेरे मन में भी और तमाम लोगों के मन में भी शायद होगा, कंजम्पशन को लेकर के आपको कोई बड़ी दिक्कत तो नहीं दिख रही है, ये स्टॉक्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं? हालांकि ऑटो के जो नंबर आए उसमें ये पता चला कि जो यूजर एंड वाली जो चीजें हैं ना वो नहीं बिक रही हैं, हालांकि अभी भी लग्जरी को लेकर कोई देश में डिमांड की टेंशन वैसी है नहीं। नहीं, जो अभी नंबर्स आ रहे हैं वो दिखा रहे हैं कि अभी भी कंजम्पशन में जो लोअर एंड कंजम्पशन है वहां पे इतना ग्रोथ नहीं है। आशाएं हैं कि अच्छे मॉनसून के बाद अगले क्वार्टर में धीरे धीरे डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ दिखेगी,
और बाद में ऑटो सेक्टर हो या जो एफएमसीजी सेक्टर हो वहां पे निवेश के मौके मिलेंगे। अभी यहाँ पे हमारा व्यू कॉशियस है। जो जहां पे इन्वेस्ट कर सकते हैं ऐसा अगर एक सेक्टर के बारे में मैं बताऊं तो मुझे लगता है कि अभी के मार्केट में सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी बैंकिंग और फाइनेंस में है। शुरुआत में एक्सिस बैंक और कोटक बैंक के बारे में शो में आपने डिस्कस किया था, तो मुझे लगता है कि अगर कोई इन्वेस्टर है और उनको 3 महीने से 6 महीने के लिए अगर इन्वेस्ट करना है तो आज की तारीख में सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी जो लेंडिंग साइड फाइनेंस की बड़ी प्राइवेट सेक्टर की या पब्लिक सेक्टर की बैंक है जैसे एक्सिस बैंक है, कोटक बैंक है या SBI है, या तो फिर छोटी बैंक जैसे कि फेडरल बैंक है, हमने रिसेंटली रिपोर्ट इश्यू किया है बैंक ऑफ इंडिया का, तो ये सब जगह पे वैल्यूएशन काफी अच्छा है, आगे ग्रोथ की उम्मीद है। धीरे धीरे भारत में ब्याज के दर कम होंगे, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होगा और बड़ी NPA आने की संभावना नहीं है, तो छोटे अवधि के लिए नहीं पर अगर अब इन्वेस्ट करें और 3 महीने 6 महीने के लिए रुके तो यहाँ से हमें अच्छे ग्रोथ और अच्छे मुनाफे की बहुत उम्मीद है। तो कंज्यूमर सेक्टर में वेट करेंगे, बैंकिंग और फाइनेंस में हम हमारा वेटेज अब बढ़ाएंगे। बैंकिंग फाइनेंशियल पसंद आ रहे हो, देखिए कहीं ना कहीं अगर बैंकिंग फाइनेंशियल भी तो रिफ्लेक्शन है इकॉनमी का ना कि डिमांड कैसी आ रही है, तो अगर ये अच्छे चल रहे हैं तो मेजर कोई ऐसी प्रॉब्लम है नहीं। लेकिन फाइनेंशियल स्पेस की ही बात करें तो एक कंपनी का शेयर आज बहुत जोर से टूटा है और वह है मणप्पुरम फाइनेंस का। दरअसल RBI ने मणप्पुरम की सब्सिडरी आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस समेत 4 NBFCs पर लोन सैंक्शन करने और लोन बांटने पर रोक लगा दी है। कितनी नेगेटिव है ये खबर जरा समझते हैं, हमारे सहयोगी वरुण दुबे जुड़ गए हैं। वरुण बताइए कितना बड़ा झटका है मणप्पुरम के लिए। डेफिनेटली तो ये एक बहुत बड़ा ब्लो है दरअसल अगर आप देखेंगे मणप्पुरम फाइनेंस के लिए, क्योंकि RBI ने 4 माइक्रो फाइनेंस कंपनीज जिनके नाम में अगर आपको गिनाऊं तो आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस, आरोहम फाइनेंशियल सर्विसेज, DMI फाइनेंस और नावी फिनसर्व, इन 4 कंपनियों पर लोन सैंक्शंस और डिसबर्समेंट पर रोक लगाई है। 21 तारीख के क्लोजिंग से ये डिसबर्समेंट्स नहीं कर पाएंगे। और देखिए काफ़ी सारी दिक्कतें थे RBI ने जो सामने रखी है जिसकी वजह से RBI को इस तरह का कदम उठाना पड़ा। अगर आप देखेंगे तो RBI का सबसे पहले तो ये कहना है कि इनकी जो प्राइसिंग पॉलिसी है स्पेसिफिकली वेटेड एवरेज लेंडिंग और जो इंटरेस्ट रेट्स है वो कॉस्ट ऑफ फंड से ज़्यादा थे और ये सबसे बड़ी दिक्कत की बात है जिसकी वजह से RBI ने कहीं ना कहीं ये कदम जो है वो उठाया है। इसके अलावा भी काफ़ी सारे और रेगुलेटरी गाइडलाइंस थी जैसे कि हाउसहोल्ड इनकम जो है उसको एसेस करना, इसके अलावा बाकी सारी और रीपेमेंट ऑब्लिगेशन जो है उनको एसेस करना, ये सारी चीज़ें जो है इन माइक्रो फाइनेंस कंपनियों ने नहीं की थी, इसके लिए इन पर रोक लगाई गई है। अब इसमें मणप्पुरम का सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट इसके लिए है क्योंकि आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस जो है वो दरअसल मणप्पुरम की सब्सिडरी है। 97.6% के आसपास की हिस्सेदारी जो है मणप्पुरम होल्ड करता है आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस में। और पीछे कुछ समय में अगर आप देखेंगे तो आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस का कारोबार काफ़ी अच्छे से बढ़ भी रहा था। पीछे 5 साल का CAGR ग्रोथ देखिए आप करीब 27% के आसपास का था और इसमें मार्जिन जो है वो काफ़ी ज़्यादा थे, लेकिन अब ये अपने लोन्स को सैंक्शन नहीं कर पाएंगे और इसके चलते ब्रोकरेज हाउसेस का कहना है कि इसका सीधा असर जो है वो दरअसल मणप्पुरम फाइनेंस पे पड़ेगा क्योंकि यहाँ से मणप्पुरम फाइनेंस के ओवरऑल लोन ग्रोथ जो है वो कम होगी और हो सकता है कि मणप्पुरम फाइनेंस को आगे चल के आशीर्वाद फाइनेंस को कहीं ना कहीं पैसे भी देने पड़े, फंड्स देने पड़े और ये मणप्पुरम के लिए एक दिक्कत की बात हो सकती है। इसके तमाम ब्रोकरेज हाउसेस ने अपने प्राइस टारगेट काटे हैं, भले वो JP Morgan हो, मॉर्गन स्टैनली हो, जितने ब्रोकरेज हाउसेस है सब ने यहाँ पे करीब करीब 80 से 100 रुपये के आसपास अपने प्राइस जो है या फिर अपने टारगेट जो है वो काट दिए हैं और इसी का इम्पैक्ट आप देख रहे हैं कि इस खबर के बाद मणप्पुरम फाइनेंस की अच्छी खासी पिटाई हो रही है। ठीक है वरुण, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। ऐसा नहीं कि मणप्पुरम फाइनेंस टूटा तो सारे NBFCs ख़राब हैं। अगर आज सबसे ज़्यादा बढ़ने वाले NBFCs को चेक करोगे तो श्रीराम फाइनेंस का डाटा और एनालिसिस का मतलब डाटा और इसका F&O डाटा ये सब कुछ बहुत ही बढ़िया हुआ है, तो सारी NBFCs के अंदर दिक्कत नहीं है, सिलेक्टिव NBFCs के अंदर दिक्कत है, वो हम आपके स्क्रीन पर रख भी रहे हैं। अब आ जाते हैं मार्केट की क्लोजिंग की तरफ। तो आज के जो टॉप गेनर्स हैं जिन्होंने आज मार्केट का मूड माहौल ठीक किया, एक्सिस बैंक, बहुत बड़ा क्रेडिट जाएगा एक्सिस बैंक को आज चीज़ों को ठीक करने में। दूसरा बैंक का नाम है ICICI बैंक, इन दोनों ने आज काफ़ी हेल्प की है ना केवल बैंक निफ्टी को यहाँ तक लेके आने में बल्कि कन्विक्शन को भी बड़ा करने में। इसके अलावा विप्रो आज का सुपर हीरो रहा IT में से, MCX प्लेटफॉर्म शेयरों में से आज सुपर हीरो रहा 3% का। NMDC और जिंदल स्टील ने आज बड़ा दिखा के ये प्रूव किया कि मेटल्स को अभी भी आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा अबोर्ड इंडिया, ये थोड़ा डिफेंसिव था, ये भी आज काफ़ी बढ़िया से चला। आज ऑटोज में जो पुलबैक का दिन था वो आइशर मोटर ने प्रूव करके दिखाया।
आज आप रेशो देखोगे अभी भी डिक्लाइंस के ज़्यादा है, बट ओवरऑल मार्केट की पिक्चर ठीक आई है। इसलिए भी ठीक आई है क्योंकि बड़े जगहों पर पैसा गया, वेटेज वाले शेयरों का पैसा गया और उस जगह से मार्केट के इंडेक्स को काफ़ी हेल्प मिली। 24,800 जो कल तोड़ा था आज वापस पा लिया, नुकसान 24 घंटे के अंदर अंदर पूरा हो गया, लेकिन ये सिर्फ एक फौरी राहत है। फौरी राहत का मतलब वेरी इमीडिएट राहत है कि चलो ठीक है भाई, आप 24,800 ब्रेक किया, 600 का लो टेस्ट कर दिया, उसके भी नीचे चले गए एक बार, लेकिन वापस से 850 के आसपास आके बंद किया। आगे अगर बाजार को चलना है तो 25,200 का रास्ता काफ़ी मुश्किल है और उसके बाद आपको मीठा स्वाद या मैं बोलूँगा सेलिब्रेशंस का डे आएगा। 25,200 तक सेलिब्रेशंस नहीं है, पूरी आप लड़ाई है आपको बुल्स और बियर्स की, आपको अपने माइंडसेट को उसी हिसाब से रखना है। सेम विद द बैंक निफ्टी, अगर आज बैंक निफ्टी देखेंगे तो 52,000 के आसपास इसने क्लोज किया है। अच्छी बात बैंक निफ्टी के साथ ये रही कि डेज हाई पे रहा, और दूसरी अच्छी बात यह है कि डैमेज काफ़ी अच्छे से कंट्रोल हुआ। तीसरी अच्छी बात यह है कि मोमेंटो काफ़ी फास्ट था, काफ़ी तेज़ था। 850 पॉइंट मैटर नहीं करते, आप कहाँ से कहाँ तक आए हो ये मैटर करता है। आपने 51,000 का लो टेस्ट कराया, ऐसा पैनिक हो गया था कि हम 50-800 ना चले जाएं, लेकिन क्लोज होते होते जब 52,000 दिखा तो काफ़ी अच्छा लगा। अब होता क्या है कि अब मान लो कि नेगेटिव खबर है भी सिस्टम में, तो निफ्टी के पास कम से कम 63 पॉइंट और बैंक निफ्टी के पास कम से कम 600 पॉइंट अभी ऐसे हैं जिससे वो अपने आप को बचा सकता है, उस न्यूज़ को डाइजेस्ट करवा सकता है। ये होता है लेवल्स के ऊपर आके क्लोज करने का बेनिफिट कि नेगेटिव खबर आएगी तो डाइजेस्ट करने के लिए रूम आपके पास होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज राजेश सर आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तेजस आपका बहुत शुक्रिया, दिवर्ष ये आपका बहुत शुक्रिया, और शुक्रिया मोहल अठावले आपका भी आज कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। अंत भला तो सब भला, 24,800 जैसे तैसे करके हमने बचा ही लिया और आज शुक्रवार का दिन था तो मार्केट के लिए ये सब कुछ ठीक ही माना जाएगा। सोमवार की सोमवार को देखेंगे, इतना तनाव लेना नहीं, इतने टेंशन लेने नहीं, मुझे मार्केट को करना है और मेरे और आपके कहीं से रुकेगा नहीं, वो करके ही रहेगा, बट आपको और हमको जो मार्केट कर रहा है उसको सिर्फ ढूंढना है, समझना है और उसके हिसाब से रिएक्ट करना है। तेजस बहुत शुक्रिया सर, अमोल जी थैंक यू वेरी मच, राजेश सर थैंक यू वेरी मच, और दिवस सर थैंक यू वेरी मच।